कौन? अरे इधर 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 इधर। अरे यार अजीब आदमी हो, खुले दरवाजे में बैल बजा रहे हो। हाँ ठीक है भाई साहब, एक काम करो अपने मालिक को बुला लो। मालिक को? अच्छा मालिक को, मैं ही तो मालिक हूँ। अरे आप मालिक हैं? अरे गलती हो गई, पहचान नहीं पाया मैं। नमस्ते भाई साहब। अब कहेगी नमस्ते, नौकर समझ रहे हो? क्या काम है? वो मैं चंदा लेने आया हूँ। चंदा लेने आया हो? रुको, चंदा तुम्हें कोई लेने आया है? पति हो उसके? किसके? जिसको लेने आए हो। अरे मैं तो चंदा लेने आया हूँ। तो वही तो पूछ रहा हूँ, चंदा के पति हो? अरे भाई। भाई हो? कौन सा भाई, किसका भाई? चंदा का। अरे कौन है ये चंदा? अरे भूल गए, जिसको तुम लेने आए हो। अरे यार भाई साहब देखो, सुनो मेरी बात सुनो, मैं चंदा को लेने नहीं आया, मैं चंदा मांगने आया हूँ। अरे लेने आए हो मांगने आए हो एक ही बात है, और वैसे भी चंदा हमारी नौकरानी है, उसका हाथ मांगना है, उसके घर जाके मांगो ना उसके बाप से। अरे मैं किसी का हाथ क्यों मांगूंगा यार? भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, मैं किसी का हाथ वात मांगने नहीं आया हूँ यार, वो हाथ पे जो चंदा रखते हैं ना, मैं वो चंदा लेने आया हूँ यार। अच्छा, लेकिन वो चंदा इतनी छोटी थोड़ी है जो तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। मामा हो क्या उसके? किसका? चंदा के। चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के। मेरी बात सुनो, ढंग से सुनो, मैं उस चंदा की बात नहीं कर रहा, मैं इस चंदा की बात नहीं कर रहा, वो जो दूसरा चंदा होता ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन दो तो तुम पहले से बोल चुके हो। ठीक है मैं दो चंदा बोल चुका हूँ ना। हाँ हाँ, तो वो जो तीसरा चंदा होता ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तुम मुझे पूरा बोलने भी तो नहीं दे रहे आप। भाई इसके अलावा हम किसी चंदा को नहीं जानते, कहीं और जाके देखो। अरे भाई साहब मैं जिस चंदा की बात कर रहा हूँ उसे कोई नहीं जानता। अरे तो जिसे कोई नहीं जानता उसे यहाँ आके क्यों ढूंढ रहे हो? अरे भाई साहब जानता कोई नहीं है, लेकिन पता सबको होता है। अरे यार जब सबको पता होता है तो और सबसे जाके पूछो ना, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? मैं उस चंदा को ना जानता हूँ ना उसके बारे में मुझे कुछ पता है। भाई साहब आप मुझे पागल बना रहे हो ना, पागल बना रहे हो आप मुझे, आपको पता है ना चंदा के बारे में? अरे दिमाग ही लगा क्या भाई तेरा? मैं उस चंदा को जानता हूँ, मैं इस चंदा को जानता हूँ, इसके अलावा मुझे किसी चंदा के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है भाई साहब आप नहीं जानते ना, तो मैं बताता हूँ ना आपको चंदा के बारे में। यार मुझे सुनना ही नहीं है, तुझे जिस चंदा की तलाश है ना वो यहाँ नहीं है बस। अरे भाई साहब मुझे किसी चंदा की तलाश नहीं है यार, मैं चंदा लेने आया हूँ। अरे यार फिर वही ढाक के तीन पात, तुझे चंदा की तलाश भी नहीं है और तू चंदा को लेने भी आया है। अरे तो यार मुझे पूरा बोलने ही नहीं दे रहे ना आप। क्यों बोलने दो, मेरा घर है मेरा आंगन है, तू क्यों बोलेगा? अरे जब खुद ही बोलना था तो मेरे साथ बात क्यों कर रही थी, जैसे मुंह क्यों मार रहे हो मेरे साथ? क्योंकि तूने बैल बजाई थी और खुले दरवाजे में बैल बजा दी। भगा क्या है क्या, बिजली का बिल नहीं आता? अरे क्या की बिजली का बिल है, जरा सी बैल बजाने से कितना बिल आ जाएगा तुम्हारा? जितना भी आएगा भरना तो हमें पड़ेगा, तू थोड़ी भरेगा? हाँ भरना तो मुझे ही पड़ेगा। चंदा मांग मांग के बिजली का बिल भरते हो क्या तुम? हाँ ऐसे ही चंदा मांग मांग के बिजली का बिल भरते हैं, तुझे कोई दिक्कत है? पकड़े गए, जानबूझ के मैंने ये बात बोली थी, इसका मतलब तुम तीसरे चंदे के बारे में जानते हो ना, है ना? हाँ तुम्हारी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि तुमने ना ये पर्चियां चंदे की बहुत काटी होंगी, तभी बिजली के बिल भरे होंगे तुमने, है ना? मतलब तू बिजली का बिल भरने के लिए चंदा मांग रहा है? अरे मैं बिजली का बिल भरने के लिए चंदा मांगने नहीं आया हूँ यार, यहाँ सोसाइटी में प्रोग्राम करवा रहे हैं उसके लिए चंदा चाहिए। अच्छा सोसाइटी में जो प्रोग्राम है उसकी बिजली का बिल भरने के लिए चंदा मांग रहा है? अरे नहीं मेरे भाई यार, वहाँ बिजली के लिए जनरेटर लगा रखा है हमने। अरे यार जब वहाँ जनरेटर लगाए तो किसकी बिजली का बिल भरने के लिए चंदा मांग रहा है? अरे भाई वहाँ जो लोग आएंगे वो खाना भी तो खाएंगे ना यार, खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए चंदे की पर्चियां काट रहे। वाह उनके खाने पीने के लिए चंदा मांग रहा है, पैसे मैं दूंगा। अरे यार गरीब आदमी खाना खाएगा, पैसे दुआएं निकलेंगी यार। मतलब पैसे मेरे खर्च हो, खाना वो खाए, दुआएं तुझे मिले। अरे मुझे क्यों दुआ लगेगी, मुझे अकेले को दुआ लगेगी क्या यार? आप पैसा दोगे तो आपको भी तो दुआ लगेगी ना। नहीं उन्हें कैसे पता लगेगा ये पैसा मैंने दिया उनके खाने का? अरे मेरे भाई साहब आपका नाम लिखेंगे यार, पर्ची पर नाम लिखेंगे हम। मेरे नाम की पर्ची काटेगा तो उनको पता लग जाएगा कि ये पैसा मेरे खाने का है। इस एरिया में ना 5 मेरे नाम के लोग रहते हैं, उन्हें कैसे पता लगेगा कि ये मैं हूँ? भाई साहब एड्रेस भी होगा नीचे। ओहो हो, यानी कि वो पत्तल में खाना लेकर के यहाँ पर आएंगे और मुझे थैंक यू बोलेंगे कि मैंने उनको खाना खिलाया। अरे वो क्यों आएंगे? तो तू क्यों आया है? अरे चंदा लेने यार। चंदा लेने? अच्छा अच्छा ठीक है मैं चंदा देता हूँ। मोबाइल है? हाँ है। कैमरा है मोबाइल में? हाँ। एक मिनट निकाल। गलत फंस गया। हाँ लो। बड़ा महंगा मोबाइल है, चंदे से लिया है क्या? अरे यार भाई साहब आप। चल कोई बात नहीं, एक काम कर मेरा फोटो खींच दे। फोटो क्यों? मेरा फोटो खींच, भग के जा वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के ला, तब तक मैं चंदे के पैसे लेके आता हूँ। प्रिंट आउट क्यों? अरे ये फोटो को प्रिंट आउट जो है ना, फोटो का प्रिंट आउट ये रसीद में चिपका देना, इससे लोगों को पता लगेगा कि ये चंदे के पैसे मैंने दिए हैं। अरे यार तुम मूर्ख आदमी हो क्या है? शक्ल देख के मुझे लग नहीं रहा तुम 11 रुपए से ज्यादा दोगे, और कह रहे हो फोटो खिंचवा के और फिर उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के लाऊं फिर पर्ची पे चिपकाऊं, ऐसे करने लगा तो फिर तो मैंने मांग लिया चंदा है, 20-25 रुपए खर्च करूं तुम्हारे 11 रुपए के लिए? अरे हटो नीचे चंदा बंदा। चल अच्छा ले। हाँ ला। सुन तो ले। तक। अरे भाई आलू पूरी तो बनेगी ना भंडारे में? क्यों खाने आऊंगा? तक। खाने आऊंगा ना।
साले चंदा ना हो गया, चंदा राम का अखाड़ा हो गया, साले ना देने के कितने बहाने बनाते रहते थे। यहाँ मालिक टाइम से तनखा दे नहीं रहा है, इसे चंदा देगा। हाँ मालिक। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, वो कुत्ते की टांग आ गई गाड़ी के नीचे।